गाइस अब हम लोग हरिद्वार से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंसूरी। गाइस जब हम लोग मसूरी रोड पे आ चुके हैं, अब यहाँ से हम पहाड़ों पर चढ़ते 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 ऐसे मसूरी ऊपर जाएंगे। अब ये देखिए, ये विजेंद्र द्वार, ठीक है, स्वर्गीय श्री राजेंद्र शाह स्मृति द्वार, ये रहा देहरादून जंक्शन शिव टेम्पल, ये मसूरी के। अभी यहाँ से मसूरी हमारा जो कि 24 किलोमीटर है दूर डिस्टेंस है, यहाँ से ये गोल 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 घूमते घूमते हम 24 किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहाँ से तय करेंगे, उसके बाद जाके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। फिर आगे का हम आपको टूर दिखाएंगे कि हमारा टूर कैसा रहा, हमने क्या क्या चीज़ें देखी सारी, हम आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखो खाई कितने ऊपर आ गए, ओएमजी यार काफी देखो। हम लोग काफी ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है अभी, गोल गोल घूम के हिल स्टेशन पे घूमने में ऐसे मजा आता है। रजा गयो ऊपर देखो एक बार, ओम नमः शिवाय, ओ बड़े खतरनाक महादेव मंदिर। मंदिर बंद है ना, इस कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती थी ना, तारे बिट्टू ना पढ़ा करती, मेरी बिट्टू पढ़ा करती है। नीलकंठ की तरह है चढ़ाई है मंसूरी की। हाँ ऐसे ऐसी वाव कितना अच्छा लग रहा है मंसूरी के भुट्टे। ये देखो तो लव है यहाँ पे, तो तुम उड़ मत जाओ मन कटो लव है। ये रहे मंसूरी के मसूर भुट्टे। किलोमीटर रह गया है 14 किलोमीटर, अब रह गया है हम लोग को 14 किलोमीटर अभी पहुंचने में। क्या डेंजरस रोड है साले, एकदम टर्न पे आता है एकदम कट बड़े एकदम आगे आधा रास्ता हो जाएगा कह रहा है, इसका आधा हो जाएगा कम हो जाएगा, पतली सी रहेगा एकदम, एक सिंगल गाड़ी कहाँ हो जाएगा आगे लिखा है वो पीछे नहीं, निर्देश लिखा था। नहीं मैं गई हूँ वहाँ पे, एक ही एक बार मैं जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता जाम भी लग जाता है, तो सामने से गाड़ी आनी हो तो वो देख करके निकालते हैं। वो जगह खाई क्या डर है, ये होता है जिंदगी का डर। ये तो सुमा वाला तो एकदम लाते स्पीड से, वो उन लोग ना आने आते रहते हैं ना, वो लोग वो राफ्टिंग वाले होते हैं। नहीं गाइस ये रावत भोजनालय में सूर्यालय, अब यहाँ पर अभी पहले हम लोग लंच करेंगे, लंच करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए गाइस आ गई मिर्ची हमारी, ये देखिए भाई भी ये जा रहे हैं लंच करने, लो दिखाओ आप भी खिला दीजिए फिर, आप क्यों शर्मा रही हैं। Thank you.
गाइस जब हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी पार्क में मसूरी के कंपनी गार्डन। ठीक है, तो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से पार्किंग रिसिप्ट पर्ची कटती है। तो इसके आगे से फिर हम जाएंगे एंट्री कार पार्किंग करके, फिर निकलेंगे कंपनी गार्डन घूमने के लिए। यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर लो है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब बाहर निकलते ही ठंड बहुत लगती है, अंदर हमें हीटर ऑन करके रखना पड़ता है। देख रहे हो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बादलों के अंदर हो। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए गाइस इतना ख़तरनाक है ये। और वन वे है ये, और वन वे रूट है, बट इसमें आमने सामने दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी ये टर्न आएगा, जो देखिए ये अचानक से टर्न आता है, ये देखो यहाँ पर। तो ड्राइविंग बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी पड़ती है और अच्छे से करनी पड़ती है। जिनको ड्राइव अच्छे से आनी आती हो वही चलाएं, जैसे हम जैसे तो बिल्कुल ना चलाने की कोशिश करें। ये तो हमारे भाई साहब जो है ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, यही चलाते हैं गाड़ी। या तो मेरी भाभी हैं जो पीछे ना, वो चलाती हैं। फास्ट ड्राइविंग भाभी करती हैं और स्लो ड्राइविंग में भैया करते हैं हमारे। अब हम देखो, जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन, ये पहुंच चुके मसूरी के कंपनी गार्डन में। गाइस जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी कार पार्किंग करेंगे। कार पार्किंग करने के बाद यहाँ का हम आपको लुक दिखाएंगे, अंदर का एरिया जो भी है, कंपनी गार्डन है कैसा, आपको आप बिना आए हुए यहाँ का आनंद ले सकते हैं। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं मसूरी के कंपनी गार्डन में। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है COVID-19 कैसे फैलता है, सब कुछ प्रिकॉशंस के साथ। वो इसका है क्या, ये इसी का ही है। और यहाँ पर भी इतनी बारिश हुई है। यहाँ पे ले रहे हैं मयंक ग्लव्स। ये देखिए गाइस हम लोग एंट्री कर रहे हैं कहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, गाइस ये देखो फॉल्स, वाटरफॉल्स। उधर आपका हंटेड हाउस, उधर वाटरफॉल्स। हम लोग ये आगे झूले साइड, यहाँ पर ये अपना म्यूजियम है, यहाँ पर अपना वैक्स म्यूजियम। और यहाँ पर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर झूले वगैरह। ये गाइस हम वाटर रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर रिवर देखने के लिए, उधर वाटरफॉल्स, उसके बाद हंटेड हाउस में जाएंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग, ये फ्रंट कैमरे से वो वाटर रिवर झरना है ना, ये झरना। हाँ नीचे, ये तो पहाड़ों में जगह जगह कूद रहा है, नीचे फूड कोर्ट है, वहाँ चलेंगे। वाटर पार्क है नहीं, सुपर जिम वहाँ पे, वहाँ चलेंगे ना, चलेंगे। वो म्यूजियम है, अरे झूला आ रही है, झूला। वैक्स म्यूजियम है, हंटेड हाउस ले चलेंगे अभी फिलहाल, यहाँ घूम लो। ठीक है, बंद हो जाएगा।
ना ठंडा है, ठंडा टेम्परेचर बहुत कम है गाइस। बोटिंग के नीचे यहाँ पर बोटिंग है, बोटिंग भी करेंगे। हाँ यहाँ पर हम आ गए यहाँ पर वाटरफॉल्स में, है ना, ये है वाटरफॉल्स। गाइस ये देखो वाटरफॉल्स, यहाँ से हम फोटो शूट, हम यहाँ से कुछ फोटो निकाले, यहाँ फोटो गजब की बेटे देखो खतरनाक। हाँ यार उसके ऊपर चढ़ के ले लेंगे यहाँ खड़े हो जाना, यहाँ यहाँ से मैं ले लूँ, बहुत गजब का आएगा। वीडियो बन सकते हैं, अरे भी चलो हम लोग भी देखेंगे। बाथिंग बोल दो, हाँ हम ये देखें बोटिंग, इधर देखो बोटिंग, इधर बोटिंग सिस्टम है, बोटिंग का है, इधर बोटिंग का, इधर म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम। गाइस कैसा लग रहा है यहाँ पे, इतनी ठंड लग रही है कि सुपर जी ये झूला नहीं जा रहा है ज्यादा ज्यादा। सुपर जी ये झुल्लू ये हाँ ये इसमें बैठोगे आप मेरे फोन पे क्या। ये वैक्स म्यूजियम शिलाजीत का, चलो यहाँ से रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको मसाला डोसा, राजमा राइस, कढ़ी कढ़ी राइस, इडली इडली विद सांभर, सांभर वड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आइटम आपको यहाँ से, आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। गाइस अब हम लोग चल रहे हैं हंटेड हाउस में, अब हंटेड हाउस में जाने पर हो सकता है कि वहाँ पर कैमरा की शूटिंग करना अलाउड ना हो, तो गाइस हम आपको वो चीज़ हो सकता है ना दिखा पाएं। ये देखिए गाइस ये आ गए हम लोग हॉन्टेड हाउस, यहाँ पर ये देखिए टिकट जो भी चार्जेस दिया हुआ है यहाँ पर हॉन्टेड हाउस का 11LG सिनेमा लेकर के ₹200, 11LG सिनेमा ₹150 एंड नॉर्मल वाले में ₹70। बट अब अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, शूटिंग हम नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए हम अंदर नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर, ये दिखा दो, डोंट यूज मोबाइल इनसाइड, लिखा है यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा है ना, तो अब हम अंदर नहीं ले जा सकते, एंट्री अंदर नहीं है, हम लोग जा रहे हैं एंट्री देख करके आते बताते हैं हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए ठीक है गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, और आने के बाद सच में अंदर इतना मतलब डर गए हम लोग, जैसे वो खतरों के खिलाड़ी में जैसे होता है ना, खतरों के खिलाड़ी में जो आता है पूरा अंधेरा, अचानक से कुछ नहीं दिखता ना, हम कि हम मेरे आँख किसी को दे देते हैं उसमें टास्क जो होता है, मतलब कि पैर वगैरह हम कहाँ रखना कुछ नहीं पता, अंदाजे से ऐसे पैर रखना होता है, अंदाजे से टोचना होता है, हाँ कुछ भी नहीं दिखता ना कुछ, जैसे ही कहीं होता है जैसे कुछ आया है भूत की तरह बन के आता है या कुछ भी, जो भी सामने हमारे लड़ता है ना, जैसे ही लड़ेगा वैसे तब उसी टाइम पे लाइट जलेगी ताकि हम लोग डर जाए। पहली बार में तो सच में मैं भी डर गई थी, मैं तो पीछे ही रुक गई थी, पहले ताश में खड़ी रो रही पे खड़ी हो गई, रोई नहीं थी खड़ी हो गई, यूं खड़ी हो गई, यूं यूं कर रही थी मैं एक जगह खड़ी हो गई थी, खड़ी चलो अब हम आ करके डर गए थे, फिर हम हाथ से खेला गया, अब हम लोग निकल रहे हैं, अब यहाँ दीजिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं गाइस वापसी के लिए, अब मसूरी
से निकल रहे हैं अभी, अब निकलेंगे यहाँ से वापसी के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है मसूरी तो पहले भी आए हैं, घूमे हैं, लेकिन भाई भाभी हमारे नहीं आए थे, हम कहे चलो ठीक है भाई भाभी आ रहे हैं तो उनके साथ भी थोड़ा सा इंजॉय कर लिया, सब मसूरी तो आए हैं घूमे हैं सब पता है, तो इसलिए आ गए। अब इतना अब गाइस देखिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, उठने का मन नहीं कर रहा था। हाँ सच्ची में अब हम लोग निकल रहे हैं जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर है देखिए फ्लावर्स वगैरह सब कुछ, ब्यूटीफुल। इतनी ठंडे की देखिए बोल कैसे रही हूँ मैं, वाह बच्चा ये एक बार में ही डाल दीजिए ना, एक एक करके डलेगी गोलियां इसमें, मारो लगा फट गया दिया भाई, एक तो मिस कर दे अब फूटा। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गाइस, अब हम लोग निकल गए हैं मसूरी से, अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, हॉरर वाला हॉन्टेड हाउस जो गए थे, मजा आ गया, मजा भी आया और डर भी लगा, लेकिन डर ज्यादा लगा, हाँ डर से ज्यादा डर लगा, हाँ पहली बार तो हद से ज्यादा डर लगा उसके बाद पैर रखने पता ही नहीं चल रहा कहाँ पैर रख रहे, कहाँ ऐसे हिल रहा जैसे होता है कांप रहे हैं, पूरा एकदम अंधेरा ना दिख रहा है, खतरों के खिलाड़ी बन गए बिल्कुल रोहित शेट्टी की कमी थी बस वो सब वो रोहित शेट्टी रहते थे तो आवाज आती है अंदर से ना, एक होता है ना सपोर्ट होता है कि कोई करता है, लेकिन हम लोगों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, वापस अंदर धकेलने वाला जो वहाँ पे कम से कम अवार्ड का तो मौका मिलता है, आगे तो वो भी नहीं था। बार बार ये कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि गाड़ी यूं यूं गोल 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 में जा रही है, तो आप लोगों को भी ठीक से दिख नहीं रहा होगा। चलिए गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, ओके बाय।